तो क्या आप भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से जो है वो फुल इंस्टाग्राम रील्स को डाउनलोड करना चाहते हो? मान लीजिए जैसे कि दोस्तों आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में जो है वो रील्स वीडियो को देखते होंगे, अगर आपको कोई भी रील्स वीडियो पसंद आ जाती है और वो रील्स वीडियो जो है वो 15 सेकंड से ऊपर है या ज्यादा बड़ी रील्स है, पर आप उस रील्स वीडियो को जो है वो अगर फुल डाउनलोड करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो, यही आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों इंस्टाग्राम में होता क्या है, इंस्टाग्राम में रील्स वीडियो डाउनलोड तो हो जाती है, वो रील्स वीडियो जो है वो 15 सेकंड तक ही जो है वो डाउनलोड हो पाती है, उससे आगे जो है वो हम उस रील्स वीडियो को जो है वो डाउनलोड नहीं कर पाते। पर दोस्तों आज मैं जो आपको इस वीडियो में ट्रिक बताऊंगा वो ट्रिक जो है वो 100% वर्किंग ट्रिक है। उस ट्रिक की मदद से जो है वो अगर कोई भी रील्स वीडियो जो है वो जितनी मर्जी रील्स वीडियो बड़ी हो आप उस फुल रील्स वीडियो को जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपने इंस्टाग्राम को ओपन कर लेना है। इंस्टाग्राम को ओपन करने के बाद में मान लो कि जैसे कि आप जो है वो रील्स वाले सेक्शन पर क्लिक करते होगे, जैसे कि आपको यहां पर जो है वो कोई भी रील्स वीडियो पसंद आ जाती है तो आपने करना क्या है, मान लो कि जैसे कि मेरे को ये रील्स वीडियो जो है वो पसंद आ गई है, मैं इस रील्स वीडियो को जो है वो फुल इंस्टाग्राम रील्स को जो है वो अपनी गैलरी में डाउनलोड करना चाहता हूं, तो मैं करूंगा क्या, मैं यहां पर जो है वो शेयर वाले बटन पर क्लिक करूंगा। दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखना है, ध्यान से प्रोसेस को समझना है, तभी आप जो है वो फुल इंस्टाग्राम रील्स को जो है वो डाउनलोड कर पाओगे। उसके बाद में दोस्तों आपको यहां पर जो है वो कॉपी लिंक वाला ऑप्शन दिखेगा, तो आपने सिंपली से जो है वो कॉपी लिंक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। जैसे दोस्तों आप कॉपी लिंक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे तो ये लिंक जो है वो कॉपी हो जाएगा इंस्टाग्राम रील्स वीडियो का। उसके बाद में आपने करना क्या है, उसके बाद में आपने गूगल को जो है वो ओपन कर लेना है। गूगल को ओपन करने के बाद में दोस्तों आपने यहां पर जो है वो सर्च करना है इंस्टाग्राम रील्स डाउनलोड, तो दोस्तों आपने ये लिख कर जो है वो सर्च कर देने। जैसे दोस्तों आप ये लिखकर सर्च कर दोगे उसके बाद में आपको यहां पर जो है वो एक ऑप्शन देखने को मिलेगा इंस्टाग्राम रील्स डाउनलोडर सेव रील्स एंड वीडियोस, तो आपने करना क्या है, आपने सिंपली से इस वाले ऑप्शन पर जो है वो क्लिक कर देने। जैसे दोस्तों आप उस ऑप्शन पर जो है वो क्लिक कर दोगे उसके बाद में आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, तो आपने करना क्या है, जो भी आपने उस रील्स वीडियो को जो है वो लिंक को कॉपी किया था वो लिंक जो है आपने यहाँ पर जो है वो पेस्ट कर देने। आपने लॉन्ग प्रेस करके रखना है, उसके बाद में आपको पेस्ट वाला ऑप्शन दिख जाएगा, तो आपने सिंपली से जो है वो पेस्ट कर देने। उसके बाद में आपको आगे की तरफ दिखेगा डाउनलोड वाला ऑप्शन, तो आपने यहां पर कर देना है क्लिक। जैसे ही आप ब्लू कलर में दिख रहे डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे उसके बाद में आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। वेट करने के बाद में जैसे कि दोस्तों आप नीचे की तरफ को आओगे तो आपको यहां पर जो है वो वाली रील्स वीडियो दिख जाएगी, जिस रील्स वीडियो को जो है वो आप अपनी गैलरी में डाउनलोड करना चाहते हो। तो आपने करना क्या है, आपने यहां पर जो है वो आपको यहां पर जो है जैसे कि ये रील्स वीडियो होगी उसके आपको यहां पर जो है वो थ्री डॉट दिख रहे होंगे, आपने सिंपली से जो है वो इन थ्री डॉट पर जो है वो क्लिक कर देने। जैसे कि आपको यहां पर जो है मैं आपको जो है वो बता देता हूं, आपको यहां पर जो है वो थ्री डॉट दिख रहे होंगे, आपने सिंपली से यहां पर करना है क्लिक। उसके बाद में आपको दिखेगा डाउनलोड वाला ऑप्शन, तो आपने डाउनलोड वाले ऑप्शन पर करना है क्लिक। डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपने ध्यान रखना है आपके इस वाले ऑप्शन में भी जो है वो डाउनलोड सी होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर आपके इस वाले ऑप्शन में जो है वो डाउनलोड नहीं होगा तो आपकी गैलरी में जो है वो रील्स वीडियो जो है वो सेव नहीं हो पाएगी। जैसे कि आपके यहाँ पर जो है वो डाउनलोड वाला ऑप्शन ही है, तो उसके बाद में आपने कर देना है डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक। उसके बाद में आपको यहाँ पर ब्लू कलर में डाउनलोड वाला ऑप्शन दिखेगा, तो आपने डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो आपकी ये रील्स वीडियो जो है वो गैलरी में सेव हो चुकी होगी। जैसे कि मैं आपको जो है वो प्ले करके भी बता देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर जो है वो वीडियोस वाले ऑप्शन में जाता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने इस रील्स वीडियो को जो है वो सेव किया था अपनी गैलरी में और ये रील्स वीडियो जो है वो मेरी गैलरी में सेव हो गई है। ऐसा है दोस्तों, आप भी किसी भी रील्स वीडियो को जो है वो अपनी गैलरी में सेव कर सकते हो। दोस्तों ये कुछ जानकारी थी जो आज मैं आपको इस वीडियो में देना चाहता था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली हो। दोस्तों अगर आपको मेरी इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए हमेशा ही ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।